आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 7 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मानव शक्ति एवं जीवन की चुनौतियों का सामना। जीवन शैली, दबाव प्रबंधन, तकनीक एवं जीवन कौशल। पहला प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कई बार इस प्रश्न को मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, दबाव के संप्रत्यय को स्पष्ट करें। दबाव के संप्रत्यय को स्पष्ट करें या दबाव के प्रभावों की उदाहरण सहित व्याख्या करें। मतलब प्रश्न ये कहना चाहता है कि दबाव, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं, इसका सामान्य अंग्रेजी प्रेशर है, इसको तनाव भी कहते हैं, तो तनाव का या दबाव का या स्ट्रेस का हमारे ऊपर, हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी प्रभाव के बारे में हमें चर्चा करना है। तो आपका उत्तर होगा, दबाव का सामना करना दबाव के प्रति एक गत्यात्मक प्रतिक्रिया। मतलब दबाव क्या है, तो दबाव एक गत्यात्मक प्रतिक्रिया है और दबाव की अवस्था में व्यक्ति अपने आप को असहज, असहाय महसूस करता है। एंडलर और पार्कर नामक मनोवैज्ञानिक ने दबाव प्रबंधन की 3 विधियों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, संवेग नियंत्रण युक्ति। संवेग नियंत्रण युक्ति, जिसे हम संवेग अभिविन्यास भी कहते हैं, यह विधि कहता है कि इसके अनुसार अपने संवेग पर, मतलब अपने भावना पर नियंत्रण करके और अपने मन में विश्वास जगाकर, अपने भावना पर, अपने संवेग पर नियंत्रण करके और अपने मन में विश्वास या आशा जगाकर दबाव से मुक्ति पाया जा सकता है। क्योंकि आशा और विश्वास सफलता का एक रहस्य है। दूसरा, दबावपूर्ण स्थिति संबंधी युक्ति, या इसको हम दबावपूर्ण अभिविन्यास भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो इसके अंतर्गत दबावपूर्ण स्थिति में सूचनाओं का संयोजन करना, मतलब हमको पता लगाना होता है, उन आंकड़ों को संग्रह करना होता है कि किन आंकड़ों से हमें दबाव आता है, किन किन बातों से हमें दबाव होता है, हम तनाव टेंशन में आ जाते हैं। तो ही कहता है दबावपूर्ण स्थिति संबंधी युक्ति, मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके अंतर्गत दबावपूर्ण स्थिति संबंधी सूचना का संयोजन करना और इसके वैकल्पिक हम क्या करें कि हमारा मन मस्तिष्क उससे दूर हो जाए, इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसके बारे में पता लगाना। और तीसरा है आत्मरक्षित युक्ति, इसको हम परिहार भी कहते हैं, परिहार अभिविन्यास भी कहते हैं। इसके अनुसार हम दबाव को प्रबंध के लिए क्या करेंगे, तो दबावपूर्ण स्थिति से को नकार देना, मतलब कोई दबाव आए, आप जान रहे हैं हमारे ऊपर दबाव आने वाला है, प्रेशर आने वाला है, आने वाला है ना, आया नहीं है ना, ऐसा सोचे हम लोग, आएगा तो देखा जाएगा। मतलब दबाव की स्थिति को नकार देना, दबाव के प्रभाव से बचने का यह भी एक सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा यंत्र है। अगला प्रश्न कहता है, दबाव प्रबंधन के प्रमुख तकनीक की व्याख्या करें। दबाव प्रबंधन के प्रमुख तकनीक की व्याख्या करें अथवा
इस प्रश्न को दूसरे तरीका से पूछेगा कि दबाव का सामना करने के विभिन्न उपायों का वर्णन करें, दबाव का सामना करने के विभिन्न उपायों का वर्णन करें, या तीसरे तरीका से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि तनाव प्रबंधन के प्रमुख तकनीक का वर्णन करें। हम पहले बोल दिए हैं दबाव पूछे, तनाव पूछे, जीवन की चुनौती पूछे, मतलब सबका एक ही होता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने, आप उत्तर लिखेंगे, मनोवैज्ञानिकों ने दबाव का सामना करने के, मतलब दबाव से बाहर निकलने के अनेक सारे विधि का उल्लेख किया है, अनेक सारी विधियां बताई हैं, जिसमें कुछ विधियों का हम यहां चर्चा करेंगे। नंबर एक, विश्राम की तकनीक। विश्राम का मतलब होता है आराम करने जाला, टेंशन आए तो आराम पर चले जाओ, विश्राम कर लो। मनोवैज्ञानिकों का मानना है, विद्वानों का मानना है कि विश्राम शरीर के निचले भाग से प्रारंभ होता है तथा मुख्य पेशियों तक धीरे धीरे चला जाता है। जब पेशी में विश्राम आ जाता है तो संपूर्ण शरीर शिथिल हो जाता है। विद्वान कहते हैं कि विश्राम करने से हमारी पेशियां स्थिर हो जाती है, और जब पेशियां स्थिर हो जाएगी तो हमारे शरीर में जो दबाव है, मस्तिष्क में जो दबाव है, दबाव धीरे धीरे स्वतः कम हो जाएगा। दूसरा है जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीडबैक तकनीक। जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीडबैक तकनीक के द्वारा आप दबाव पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, तो यह कहता अपने हृदय के प्रति। आप जानते हैं हमको हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर हमारे अंदर है, तो अपने हृदय के प्रति जागरूक रह के ज़्यादा टेंशन लेने से हमारा हृदय चौक कर सकता है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हम किसी अन्य दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो अपने हृदय के प्रति जागरूकता और शरीर के क्रिया को शांत करना, शरीर के क्रिया को शांत करना इसमें शामिल किया गया है, और ऐसा करके भी दबाव में कमी आती है। नंबर तीन है सृजनात्मक मानस या प्रत्यक्षीकरण। नंबर तीन में क्या है, सृजनात्मक मानस या प्रत्यक्षीकरण। विद्वान मानते हैं कि सृजनात्मक मानस दबाव को कम करने का, दबाव के प्रभाव को कम करने का एक कारगर उपाय है। ऐसा देखा गया है यदि आपके ऊपर दबाव आए, तनाव आए, तनाव आए, स्ट्रेस आए, तो अपने मस्तिष्क में सृजनात्मकता की भावना को पैदा कीजिए, अपने आप को ख्याल में, ख्वाबों में गुम कर दीजिए, खो जाइए। क्यों, कई बार ख्वाबों में खो जाने से दबाव कम हो जाते हैं, नया नया विचार उत्पन्न करने लगे, क्योंकि नई नई विचारों में जब आपके अंदर जब उत्पन्न होने लगेगी तो आपका दबाव स्वतः कम हो जाएगा। कल्पना करने लगो कि हमें नौकरी होगी, हमारे मेरे पैसा आएगा, तो मैं ये काम करूँगा, ऐसा सोचने लगना, मतलब ख्यालों में खो जाना, ख्वाबों में खो जाने से भी आपका जो दबाव होगा, प्रेशर होगा, घट जाता है। तीसरा है ध्यान प्रतिक्रियाएं, अपने आप को पूर्ण एकाग्र कर लेना, और बाहरी उद्दीपन से अनजान होना, कोई आ रहा है हम पर वार करने वाला, हम पर प्रहार करने वाला है। ध्यान रखेंगे, एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है, किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से आपको डर तब लगता है जब उस व्यक्ति के बारे में आप जानते हो, उस स्थान के बारे में आप जानते हो। यदि उस स्थान और उस व्यक्ति से के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं हो, कोई ज्ञान नहीं हो, तो उस व्यक्ति के आपके सामने आने पर और उस अमुक स्थान पर जाने से आपको डर नहीं लगता है। जैसे हमें सांप से डर लगता है, हम सबको लगता है डर, लेकिन एक नवजात शिशु जो सांप के खौफ को जानता नहीं है, अगर उसके पास आए तो उसको हाथ से पकड़ने का प्रयास करता है। एक अत ध्यान प्रतिक्रिया है, किसी उद्दीपन, जो बाहरी उद्दीपन है जिसके कारण आप दबाव में आते हो, उस उद्दीपन को नकार दो, इनकार कर दो, क्योंकि है ही नहीं, हो उसको उपस्थित होकर भी न होने का आप महसूस करो, भावना करो, दबाव नहीं आएगा आपको। पांचवा है संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीक। पांचवा नंबर में क्या होगा, संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीक। इस तकनीक के अनुसार दबाव को कम करने के लिए संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीक कहता है कि आपको अपने दबाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपके मन में जो नकारात्मक विचार है, जो अविवेकी विचार है,
उसको त्याग दो और नकारात्मक विचार के जगह सकारात्मक विचार को भरो और अविवेकी विचार के जगह विवेकपूर्ण व्यवहार को लाओ। आपका दबाव स्वतः हट जाएगा। मतलब नकारात्मकता की भावना को हटा दो और नकारात्मकता के जगह सकारात्मकता की भावना को जगाओ, आपका दबाव स्वतः धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम जाएगा। छठा दबाव कम करने का तकनीक है व्यायाम अथवा योग। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, कसरत। व्यायाम दबाव को कम करने का, व्यायाम अथवा योग दबाव को कम करने का एक सक्रिय मार्ग प्रदान करता है, क्योंकि नियमित व्यायाम करने से आपके शरीर के विभिन्न अंगों की सुरक्षा की जा सकती है और दबाव से ही मुक्ति पाया जा सकता है। ये था दो दीर्घोत्तरीय प्रश्न, अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति से आप क्या समझते हैं? दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति किसे कहते हैं, या दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति से हमारा मतलब वैसे व्यक्ति से हैं जिसमें उच्च स्तर के दबाव लेकिन निम्न स्तर के रोग होते हैं। दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें उच्च स्तर के दबाव लेकिन निम्न स्तर के रोग होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति के नाम से या दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, जीवन शैली क्या है, मतलब लाइफ स्टाइल क्या है? जीवन शैली किसे कहते हैं, लाइफ स्टाइल किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, व्यक्ति के निर्णयों तथा व्यवहारों का वह समग्र प्रतिरूप, व्यक्ति के निर्णयों तथा व्यवहारों का वह समग्र प्रतिरूप जीवन शैली कहलाता है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल क्या है, या लाइफ स्किल क्या है? जीवन कौशल क्या है, इसी को अंग्रेजी में लाइफ स्किल कहते हैं। लाइफ स्किल क्या है? तो जीवन कौशल अनुकूली तथा सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं हैं। जीवन कौशल अनुकूली तथा सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं हैं जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की मांगों एवं चुनौतियों से प्रभावपूर्ण ढंग से निपटने के योग्य बनाती है। और याद रखेंगे, जीवन कौशल को सीखा जा सकता है। आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहकर उठने बैठने चलने काम करने रहन सहन का तौर तरीका सीख सकते हैं। तो ही कहा कि जीवन कौशल को सीखा जा सकता है और जीवन कौशल में सुधार लाया भी जा सकता है, क्योंकि इंसान जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान होता है। और कर्म मतलब करके देखकर सुधार कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, समय प्रबंधन क्या है? समय प्रबंधन क्या है, या समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, समय प्रबंधन अर्थात अपने दिनचर्या को समय के अनुसार ढाल देना, अपने दिनचर्या को समय के अनुसार ढाल देना समय प्रबंधन कहलाता है। समय प्रबंधन का प्रमुख नियम यह है कि आप जिन कार्यों को महत्व देते हैं, उन कार्यों को करने में ज़्यादा समय लगाए। जैसे आपने टारगेट कर लिया, हमें IAS बनना है, हमें IPS बनना है, या हमें रेलवे के किसी पोस्ट को प्राप्त करना है, तो आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए कि UPSC में का सिलेबस क्या है, कौन कौन सा प्रश्न, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो हमेशा उसी गुण समय में लगाओ अपना समय, अन्य एक्टिविटी में छोड़ दो। UPSC करना है तो सोते जगते खाते उठते पीते घूमते चलते फिरते हमेशा विचार करो, मैं IAS बनूंगा। जरूर आप ऐसा कर लोगे। तो ही कहा कि जिन कार्यों को आप महत्व देते हैं उनका परिपालन करने में समय लगाए, अथवा उन कार्यों को ही करें जिसे के द्वारा आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। लक्ष्य विहीन काम न करें। जो आपने टारगेट लिया, हमेशा उसी पर अपना फोकस करें। अगला प्रश्न है, सविवेक चिंतन क्या है?
सविवेक चिंतन क्या है? आपका उत्तर होगा अपने विकृत चिंतन तथा अविवेकी विश्वासों को चुनौती देना। संभावित अंतर्वेदी नकारात्मक दुश्चिंता, उत्तेजना आदि को मन से निकाल देना। मतलब अगर इसको साधारण शब्दों में कहा जाए तो आपके मन में जो अविवेकी विचार है, विश्वास है, नकारात्मक सोच है, दुश्चिंता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, इन सब को निकाल दो और अपने लक्ष्य के प्रति सोचो। हम अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे ये सोचो, सविवेक चिंतन कहलाता है। आग्रहिता क्या है या आग्रहिता से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा आग्रहिता व्यक्ति की ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी के निवेदन को स्वीकार नहीं करता। किसी विषय पर बिना आत्मचेतना के अपने विचारों को व्यक्त करना या फिर खुलकर क्रोध या प्रेम को व्यक्त करना आग्रहिता कहलाता है। अगला है सकारात्मक संबंध क्या है? सकारात्मक संबंध मतलब अच्छा संबंध। सकारात्मक संबंध मतलब क्या हो गया? अच्छा संबंध। तो सकारात्मक संबंध क्या है या सकारात्मक संबंध से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा सकारात्मक संबंध एक ऐसा तकनीक है जिसके अंतर्गत तीन प्रकार के मुख्य बात को रखा गया है। जैसे यह सुनना दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, और दूसरे के भावनाओं एवं विचारों को स्वीकार करना, भले ही उसकी भावना या विचार आपके विचार के विरुद्ध ही क्यों ना हो, क्योंकि दूसरे के भावना और विचार को सुनकर भी आप अपने अंदर के कमी को दूर कर सकते हैं कि वह मेरे बारे में क्या सोचता है। साथ ही किसी के प्रति नाराजगी या ईर्ष्या को मन से त्याग देना सकारात्मक संबंध कहलाता है, क्योंकि जब तक ईर्ष्या द्वेष घृणा होगी आपके संबंध किसी के साथ अच्छे नहीं होंगे। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य एवं व्यायाम से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य एवं व्यायाम क्या है? तो स्वास्थ्य एवं व्यायाम हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। स्वास्थ्य एवं व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, कसरत, योगा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, क्योंकि व्यायाम जीवन शैली में परिवर्तन ला सकता है। व्यायाम जीवन शैली में मतलब जीने के तरीका में परिवर्तन ला सकता है। और आपको बता दें, नियमित व्यायाम करने से सभी प्रकार के आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं और कई प्रकार के रोग से छुटकारा पा सकते हैं। अगला प्रश्न है सकारात्मक अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं? ध्यान रखेंगे, साइकोलॉजी में थोड़ा सा प्रश्न चेंज करता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते हैं। सकारात्मक अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं? इसी प्रश्न को कहता है डिस्ट्रेस अथवा यूस्ट्रेस में क्या है, या यूं कहें डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा जब किसी व्यक्ति पर दबाव पड़े और दबाव का हानिकारक प्रभाव पड़े। जब किसी व्यक्ति के लाइफ में दबाव आए, टेंशन आए, प्रेशर आए, लेकिन उस दबाव का नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगे, उसके ऊपर हानि होने लगे, तो उसे हम क्या कहें? डिस्ट्रेस कहेंगे। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति के जीवन में दबाव आता है, किसी व्यक्ति पर दबाव पड़ता है, लेकिन दबाव के कारण वह अच्छा करने लगता है, उसके जीवन में लाभ ही लाभ होने लगता है दबाव से, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। क्योंकि इकोनॉमिक्स में विद्वानों का कहना है नेगेटिविटी इज द साइन ऑफ डेवलपमेंट, कई बार नकारात्मकता विकास का प्रतीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है सामाजिक अवलंब क्या है अथवा सामाजिक अवलंब से आप क्या समझते हैं?
आपका उत्तर होगा सामाजिक अवलंब एक संप्रत्यय है। सामाजिक अवलंब एक संप्रत्यय है जो हमारे सामाजिक जाल कर्म को बनाए रखने में और हमारे दबाव को कम करने में सहायक है। सामाजिक अवलंब एक संप्रत्यय है जो हमारे सामाजिक जाल कर्म को बनाए रखने में और हमारे दबाव को कम करने में सहायक है। इसमें व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि उन्हें हमारी परवाह है जिनके लिए हम क्या है मूल्यवान हैं, तथा जो हमें प्यार करते हैं इसको हम सामाजिक अवलंब कहते हैं। तो ये रहा साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 7 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निश्चित तौर पे आपके मुख्य परीक्षा में यह चैप्टर आपके लिए सहयोगी साबित होगा, उपयोगी साबित होगा। तो गौर से इसको सुनेंगे और अपने कॉपी पर फिगर कर लेंगे, क्योंकि बार बार वीडियो में सुना जा सकता है, लिखने में समय लगता है, तो ये अभी लिख के रख लेंगे ताकि परीक्षा के समय अपने कॉपी से इसको याद कर लें। और लास्ट में तो मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो बनाऊंगा ही, वहाँ भी वह आपके लिए ज़्यादा कारगर होगा, लेकिन इसको भी गौर से सुनना है। धन्यवाद।